अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 20 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो एमसीक्यू नंबर 1 है, कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू जायगोट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो जब हमारे पास एग की डेवलपमेंट होती है जायगोट के अंदर फर्टिलाइजेशन के बगैर, तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 में कहता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये जितने भी ऑप्शन गिवन हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आप लोगों के पास आइडेंटिकल ट्विन्स के, एक्सेप्ट योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कहते हैं दे हैव सेम जेनेटिक मेकअप्स। नो, हमारे पास जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं इनका जेनेटिक मेकअप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स। 3 में कहते हैं विवोरस एनिमल्स आर दोज इन विच। आप लोगों के पास विवोरस एनिमल्स वो होते हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट जो है वो फीमेल बॉडी के जो है वो अंदर होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 में कहते हैं कि सर्चलाइट सेल्स। आप लोगों के पास सर्चलाइट सेल्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सेल को, ठीक है, स्पर्म सेल्स को स्पेशली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5 में कहते हैं कि सेकंड माइटोटिक डिवीजन इन ओसाइट इज कंप्लीटेड। तो ओसाइट में आप लोगों के पास सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है जब ओसाइट जो है वो इसकी ये फर्टिलाइज हो जाता है बाय स्पर्म, ठीक है। जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म से, तो हमारे पास जो है वो सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो ओसाइट में कंप्लीट हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 में कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम अकर्स। तो आप लोगों के पास जो ओवम होता है उसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में जो है वो होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 में कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो ये बेसिकली 28 डेज का एक साइकिल होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 में कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 में कहते हैं टोटल गेस्ट्रेशन पीरियड इज अबाउट। देखो 9 मंथ्स होते हैं, आप लोग उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 280 डेज बनते हैं, ठीक है। गेस्ट्रेशन पीरियड जो है वो 280 डेज का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10 में कहते हैं कि फीटस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्म द बिगिनिंग ऑफ। तो बेसिकली वो थर्ड मंथ के बिगिनिंग में जो है वो ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो बिगिन हो जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिकली ये डेवलपमेंट एंड एजिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे सीख लो। 11 में कहते हैं कि एवरेज लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द बर्थ। तो जब बेबी डिलीवरी होती है तो उस वक्त आप लोगों के पास जो एवरेज ब्लड लॉस होता है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ब्लड जो है वो लॉस हो रहा होता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही होती है। 12 में कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। तो आप लोगों के पास जो है वो बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं, एक्सेप्ट योर ऑप्शन डी। डी में कहते हैं कि गोनेरिया इज कॉज बाय द ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया। नो, गोनेरिया इज कॉज बाय ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग उस बैक्टीरिया का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। 13 में कहते हैं कि ह्यूमन्स फीमेल्स। तुम्हारे पास ह्यूमन फीमेल में हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोग मुझे ये बताओ कि ऑस्ट्रस साइकिल किन में होता है, ये किन ऑर्गेनिजम्स में होता है। 14 में कहते हैं ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। तो आप लोगों के पास जो वेजाइना होती है ये एज अ बर्थ कैनाल के तौर पर एक्ट करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 में कहते हैं कि न्यूट्रिशन टू एन एग इन द ओवरी इज प्रोवाइडेड बाय। तो आप लोगों के पास जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो फोलिकल सेल्स जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर एग को हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो फोलिकल सेल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 में कहते हैं कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओल्ड एजेस इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17 में कहते हैं इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों के पास जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 18 में कहते हैं कि डैश इज अ लिटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म। तो आप लोगों के पास जो हाइड्रोनिडेज होता है ये एक लिटिक एंजाइम है, मींस लाइसिस कॉज करता है, ब्रेक डाउन कॉज करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 19 में कहते हैं कि हाउ मेनी ऑटोसोम्स डज अ ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स हैव। तो वो तकरीबन 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर्स की फॉर्म में गिवन नहीं है,
सो हम लोग बोलेंगे कि 44, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 20 मेक द डैशेज एंड ऑर्गेनली दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम. तो बेसिकली वो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है जिसकी वजह से हमारे पास स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर लेता है ईजिली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 21 में कहते हैं कि हाउ डज ह्यूमन स्पर्म्स लोकोमेट. ह्यूमन स्पर्म की जो लोकोमेशन होती है, लोकोमोशन होती है, वो फ्लेजेलास की वजह से हो रही होती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 22 में कहते हैं द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस. तो बेसिकली वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 23 में कहते हैं कि एक्रोसोम इज फिल्ड विद. तो आप लोगों के पास जो एक्रोसोम होता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये आप लोगों के पास एक्रोसोम्स जो है वो स्पर्म्स को हेल्प कराता है कि वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट हो सके. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 24 में कहते हैं कि डैश इज द टेम्पररी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स द मेलियन मदर टू इट्स फीटस. तो मदर को जो है वो फीटस के को जो है वो के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू प्लेसेंटा. ये टेम्पररी ऑर्गन होता है, ये बाद में रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, सर्जिकली. ऑप्शन 25 में कहते हैं द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ. तो बेसिकली वो कंस्टिट्यूट कर रहा होता है सेल्स ऑफ सरसोलाए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 26 में कहते हैं दिस सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन. देखो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास टेस्टिस में जो है वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है. अब वो किसकी वजह से हो रहा होता है, तो आप लोगों के पास वहाँ पर जो है वो लाइडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जो कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करवाते हैं, ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 27 में कहते हैं कि देर इज अ कनेक्टिव टिश्यूज कॉर्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल. तो उसको हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 28 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच ऑफ दीज इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन द मेल मैमल्स. वो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसको हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 29 में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स डेवलप सेंट्रल ल्यूमन आफ्टर. तो बेसिकली वो प्यूबर्टी के बाद जो है वो सेंट्रल ल्यूमन जो है वो डेवलप करता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 30 में कहते हैं अनदर नेम ऑफ द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 31 में कहते हैं कि विच हार्मोन इनिशिएट द स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आप लोगों के पास जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो FSH जो है वो फॉलिकल स्टेबिलेटिंग हार्मोन जो है वो इनिशिएट करवाता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 32 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लाइडिंग सेल्स. तो बेसिकली ये जो लाइडिंग सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है. हम लोगों ने ये पिछले एमसीक्यू में बात की कि हमारे पास लाइडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, उसको उसमें हेल्प कर रहे होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसमें कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम इज द सोर्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ. तो बेसिकली इट इज द सोर्स ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 34 में कहते हैं आफ्टर ओवुलेशन प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस देन द कॉर्पस ल्यूटम. देखो जब हमारे पास है वो प्रेगनेंसी ना हो एवोल्यूशन के बाद तो कॉर्पस ल्यूटम हमारे पास है वो ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 35 में कहते हैं प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय. तो बेसिकली इट इज सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 36 में कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड ऑफ फीमेल्स करस्पॉन्ड्स टू ग्लैंड इन मेल. तो वो हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड के साथ करस्पॉन्ड करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 37 में कहता है कि एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ. तो बेसिकली इट इज़ द लाइनिंग ऑफ यूटरस, ठीक है, फीमेल्स में. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 38 में कहता है कि फॉलिकल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द अनदर नेम ऑफ. तो बेसिकली आप लोगों के पास जो प्रोलीफरेटिव फेज होता है ना उसको हम लोग फॉलिकल फेज भी कहते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 39 में कहते हैं कि नॉन प्राइमेट मैमल्स हैव. देखो हम लोगों ने पहले बात की कि हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं फीमेल्स उनमें हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं ना उनमें हमारे पास ओस्ट्रस साइकिल होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 40 में कहते हैं कि ल्यूटन सेल्स आर फाउंड इन. तो बेसिकली वो आप लोगों के पास कॉर्पस ल्यूटियम में होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 41 में कहते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड. तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप लोग मीनार्च कहते हो और जो एंड वाला होता है उसको हम लोग मीनोपॉज़ कहते हैं. 42 में कहते हैं प्राइमरी ओसाइट इज. तो आप लोगों के पास जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, वही प्राइमरी वो हैप्लॉयड होता है या डिप्लॉयड होता है. 43 में कहते हैं प्यूबर्टी अकर्स इन फीमेल्स एट द एज ऑफ. तो बेसिकली वो 11 से 14 ईयर्स के इन बिटवीन जो है वो प्यूबर्टी जो है वो अकर होती है फीमेल्स में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 44 में कहते हैं द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्चार्ज द ब्लड एंड टिश्यूज मैटर फ्रॉम द यूटेरस. व्हाट इज दिस डिस्चार्ज टर्म्ड एज. ये जो डिस्चार्ज होता है ना उसको हम लोग मेंसेस कहते हैं, ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
45 में कहते हैं कि विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज श्रेडेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो बेसिकली आप लोगों के पास एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग जो है वो हो रही होती है और एज अ रिजल्ट ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 46 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो, जब हमारे पास है वो एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती ना, तो हमारे पास है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एग फर्टिलाइज्ड हो जाए तो हमारे पास फिर प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा कि हमारे पास जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अनफर्टिलाइज्ड एग हमारे पास जो है वो लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 47 में कहता है द फेज ड्यूरिंग विच द मेंसेस अकर्स। तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें जो है वो मेंसेस अकर्स होती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेम से इंडिकेट हो रहा है। 48 में कहते हैं द फॉलिकल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो आप लोगों के पास जो फॉलिकल फेज होता है उसको हम लोग प्रोलीफरेटिव फेज भी कहते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 49 में कहते हैं ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉफियन फॉलिकल्स। तो आप लोगों के पास जो फॉलिकुलर फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रॉफियन फॉलिकल्स में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 50 में कहता है कि एज द ग्रॉफियन फॉलिकल्स मैच्योर्स मैसिव अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय द फॉलिकल्स विच कॉज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स सर्ज अप्रोक्सीमेटली व्हाट साइकिल डे डज द एलएच सर्ज अकर्स। तो आप लोगों के पास ये जो है वो डे 11 और 13 के इन बिटवीन जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। स्टिल आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।